हर सर्वे में एक सवाल जरूर होता है चेहरों को लेकर के, कि आप क्या समझते हैं किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, या आपकी नजर में कौन बेहतर मुख्यमंत्री का चेहरा साबित होगा। तो इसका जवाब भी आप देख लीजिए, 5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रह लिए हैं, 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी के। आज की परिस्थिति में 45% लोग मानते हैं कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होने चाहिए, 34% लोग डॉक्टर रमन सिंह का नाम लेते हैं, और केवल 6% लोग टीएस सिंहदेव कांग्रेस पार्टी के, अरुण साव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका केवल 5% लोग नाम दे रहे हैं। तो लड़ाई तो केवल डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच में है, लेकिन उसमें भी आप देखिए 10% से ज्यादा का गैप आपको भूपेश बघेल के पक्ष में दिखाई देता है। अब एक और रोचक सवाल पूछा गया इस सर्वे में कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, इसका फायदा किसको मिला आप क्या समझते हैं? 54% लोग ये मान रहे हैं कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। मतलब अगर रमन सिंह को या किसी और को चेहरा बनाया होता, ये बताया होता कि हम जीते तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता, ऐसा ज्यादातर लोगों को लगता है। तो क्या ये कहीं कोई चूक है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में? एक क्विक कमेंट में संजीव जी का और हर्षवर्धन जी का इस पूछूंगा। संजीव जी पहले। नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो कोई चेहरा प्रोजेक्ट करते तो उसका लाभ होता बीजेपी को, लेकिन बीजेपी की छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रॉब्लम ये थी कि रमन सिंह एक लोकप्रिय चेहरा नहीं है स्थानीय तौर पे। उनको उनके 15 साल के शासन के बाद जब वो हटे थे तो कई तरह के आरोप उनपे और मुख्यमंत्री कार्यालय के आला अधिकारियों पे लगे थे और उनकी छवि काफी धूमिल हो गई थी, अगर मैं अंडरस्टेटमेंट की तरह कहूं तो। फिर और दूसरा कोई वैकल्पिक चेहरा बीजेपी डेवलप नहीं कर पाई। जैसे आपका सर्वे बता रहा है कि सिर्फ 5% लोगों का मत जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी उनके फेवर में थी, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई बीजेपी के लिए बड़ी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कि पुराने मुख्यमंत्री का चेहरा जनता में उस तरह का अट्रैक्शन पैदा नहीं कर रहा था। और मोदी जी अपने चेहरे पे विधानसभा में एक एक सीमा के आगे पार्टी को नहीं ले जा सकते, उसके बावजूद उन्होंने रमन सिंह को लास्ट मिनट में उसको टिकट दिया और थोड़ा प्रोजेक्शन हुआ, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फाइट में आए, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। ठीक, सर राजस्थान पर बढ़ना होगा मुझे, उससे पहले जरा इसका एक जवाब हर्षवर्धन जी का भी आ जाए। भारतीय जनता पार्टी को सर्वे के नतीजे ऐसा बताते हैं अगर कोई फेस दिया होता मुख्यमंत्री का तो फायदा होता? नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग लीडरशिप, जिसको हम कहते हैं ना कि लोकल लीडरशिप, स्थानीय चेहरा, वो देना ही चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी लड़ती नहीं दिखी। इतने मुद्दे रहे, इतने बार लगा कि आंदोलन कर सकते हैं, वहां कहीं दिखी नहीं। रमन सिंह भी चुपचाप बैठ गए, 15 साल के बाद उनको जनता ने बुरी तरह से हराया। लेकिन आप नेता होते तो खुद खड़े होते, अंतिम समय में अमित शाह वहां जाकर उसको तेज करने की कोशिश करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि कोई पार्टी इतने समय तक क्यों शांत रही, वो परिणाम दिख रहा ओपिनियन पोल में। चलिए ठीक।